नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं जी साहिल विडोलिया। मेरे वालों भी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मैं हाँ भावना शर्मा। दोस्तों, इस बार सानू दोनों नू जिम्मेवारी मिली है उन्हां छोटे चैंप्स दे शो नू होस्ट करन दी, जिन्हां नू चंगी तरह पता है कि धरती तो चन्न बहुत दूर है, ते ओदे नाल चंदा मामा वाला कोई रिश्ता नहीं। जिन्हां नू चंगी तरह पता है भी डिगन ते सच्ची वजदी है सट, ना ही डुलदा कोई कीड़ी दा आटा। जिन्हां नू चंगी तरह पता है कि माऊ ना दी कोई चीज नहीं हुंदी, इह तां सिर्फ उन्हां नू घर तों बाहर ना भेजण दे बहाने हुंदे ने। जिन्हां नू चंगी तरह पता है भी सच्ची विच दंद टुटदे ने, कोई चुआ नहीं लेके जांदा। जी हाँ दोस्तों, इन्हां छोटे चैंप्स नाल असी अज इत्थे रल के मचाउणी है धमाल, क्योंकि हुन बच्चे ही करनगे शाइन। आ गया है जी रियल जूसेस एंड बेवरेजेस प्रेजेंट्स वॉइस ऑफ पंजाब छोटा चैंप सीजन 9। साडे शो दे टाइटल स्पॉन्सर्स ने रियल जूसेस एंड बेवरेजेस, रियल हाइड्रेशन, एनर्जी, इम्यूनिटी अते इलेक्ट्रोलाइट दे लई co-presented by Good Night Mini Liquid, चैन दी नींद मच्छरां तो बिना। Associate sponsor ने Broadway Visa अते Oxford Hospital जलंधर, Radio Partner ने 92.7 Big FM। वैसे साहिल, एक गल ते मननी पएगी, अज दे बच्चे बेशक स्मार्ट हो गए ने, पर साडे वी बचपन वाली मौज सब तो बेस्ट सी। ए ता बिल्कुल सही गल की पावना, ए ता मैं गल मानदा, बट इसे ही जमाने नु असी सारे ने रल के इत्थे एंजॉय करना है, ते असी एंजॉय करना है साडे छोटे चैंप्स दे नाल। हां जी, फिर एंजॉय करना ना। यस सर। क्या बात है, क्या एनर्जी है। लो जी दोस्तों, फिर स्वागत करते हैं जी अज दे इस एपिसोड दे 8 कंटेस्टेंट्स दा। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ। ਬਾਬਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਨ, ਮਸਤੀ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਗੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਵਿਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੌਕ ਦਾ ਸਟੇਜ ਰਾਊਂਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ 8 ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਟਵਿਸਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਵਿਸਟ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੱਜਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੱਜਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਜੱਜਸ ਦਾ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੋ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜੱਜਸ ਦਾ। ਜੱਜਸ ਰੈਡੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ, वो ते बिल्कुल रेडी सी, बल्कि वो ते पीछे बैठ के चाह पी रहे सी। चाह पी रहे सी? ओहो, चाय ते चर्चा वो भी साडे तो बिना। खड़ जा पावना, खड़ जा। आपण इन्हां नूं बुलाउण दा तरीका मेरे कोल आ, खड़ जा खड़ जा, मैं दसदा इह जदी जाण के किवें। हाँ, कि चिराग? यस यस यस, इह चिराग नहीं, इह हैगा अलादीन दा चिराग। इहदे पिछे बहुत वड्डी कहानी है, सुनोगे? हाँ जी, दस्तों। देखो जी, एक बारी मेरे पढ़ पढ़ दादे ने अलादीन दी हेल्प की, ते अलादीन खुश हो के मेरे पढ़ पढ़ दादे नूं ये चिराग दे गया। उस तो बाद मेरे पढ़ पढ़ दादे तो बाद पड़दादे नूं चिराग मिलिया, पड़दादे तो बाद मेरे दादे नूं चिराग मिलिया, दादे तो बाद मेरे ताए नूं चिराग मिलिया। ताया जी नूं क्यों, डैडी नूं क्यों नहीं? ताया जी वड्डे सी ना। फिर ताया जी तो बाद मेरे डैडी नूं मिलिया, फिर डैडी तो बाद ये मैनूं मिलिया। सो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चिराग अगे वधदा जा रहा। ते हुण इस चिराग तो जजेस मिल जाएंगे? जजेस मिल जाएंगे? और मैं क्या, जजेस इत्थे आणगे, ये चिराग जजेस नूं इस मंच ते लेके आएगा। दिखावा किवें? दिखाओ। ए अलादीन दे चिराग, सुन मेरी आवाज, जिथे भी बैठे ने चक लिया इन्हां नूं, करी ना बिल्कुल लिहाज। आ गए जजेस। ओ, असीं इत्थे किवें? पाजी, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਆ ਜੱਜ ਨਿਕਲਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਆ ਮੈਂ। ਭਾਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿਰਾਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਓ ਭਰਾਵਾ, ਮਾਫ ਕਰ,
अगे तो ना कम करी बंदा पता नहीं कितने बैठा होंगे। फिलहाल असं आ गए ना, हूँ तुम गलबात शुरू करो। हूँ बिल्कुल बिल्कुल गलबात भी शुरू करांगे, पर पहले तुसी ए चेयर छड्डो ते जजेस चेयर संभालो। आओ जी आओ, आजो आजो आजो, ताड़ियां जोरदार ताड़ियां साडे जजेस वास्ते एवरीवन। ते दे नाल ही नाल जजेस मैं तुहानू दसना चाहूंगी, इस सीजन दे हर एक एपिसोड दे विच एक नवा ट्विस्ट है, ढेर सारी एक्साइटमेंट है, ते तुसी किन्ने के एक्साइटेड हो? नूरी मैम बहुत ज्यादा, क्योंकि हुण तक तो आपां ऑडिशंस तो फिर मेगा ते आए, फिर हुण आपां इधर आए हां स्टूडियो राउंड दे विच आए हां, सुरीले सुरीले बच्चे सुने ने, ते हुण देखदे हां ओह सुरीले बच्चे ने किन्नी क मेहनत कीती आ, हुण किन्ना क होर वधिया गाउणगे। सो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हैगी है, सारे जजेस बहुत ज्यादा एक्साइटेड ने लगदा है ना। बिल्कुल बिल्कुल सचिन भाई, आ है ऑलवेज स्माइलिंग। यस ऑलवेज स्माइलिंग, हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, एंड गुड टू सी यू बैक साहिल। थैंक यू सो मच भाई, एंड for your first time welcome, thank you so much sir, te bahut excited hege ha, sare hi taiyar ha, bacche vi taiyar ne, maza aayega khoob, very good, so let's get started। pagala munda nikku bhaji, sasikal sir, sasikal ji, saran sasikal, bahut sara pyar, bahut sara satkar, pura safar pure punjab da bahut acha reha, te edda lagda ajj jivein sade ghare ptc de manch te ptc de pure parivar de andar ajj ik vyah रचा गया, तो विह के पूरी रौनक लगनिया ने, बच्चों ने रोज़ सुने सुने गाने गाने ने, तो असं रोज़ भंगड़े पाने ने, सो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है, और यही खासियत है जी इस शो की, जिसनों पूरी दुनिया के वसदे पंजाबी प्यार देंगे ने, इस करके इस शो वास्ते जोरदार ताड़ियाँ होनी चाहिए। बाकी कप्तान लाडी जी, तुम भी साढ़े वांग स्टूडियो राउंड के जुड़े हो, जो भाजी पी टी सी वाले का फोन आया थोड़ा की रिएक्शन सी? ओ यस, या फिर यारा ओ यारा। सब तो पहला तो मैं ये कि मैं अपना पर्स भरना है, हाँ पैसों नाल, हाँ फिर वो भरना इन शगना दे लफाफिया च, जिन्हें करके बच्चों नूं हौसला मिलता है, ये तो कुछ भी नहीं है। और मैं थैंक्स करदा पी टी सी चैनल पंजाबी दा, वॉइस ऑफ पंजाब दा, और उत्तों भी बात थैंक्स करदा नूरी भाभी दा, निकू भाजी दा, सचिन भाजी दा, इन्ने सोहने सोहने नगीने लभ के लैके आए ने, जिन्हां नूं सुनन दा मौका मैनूं स्टूडियो राउंड च मिलेगा, और मैं उम्मीद करदा इस बार दा जिहड़ा वॉइस ऑफ पंजाब पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। बिल्कुल जी तोड़ेगा, इस करके जोरदार ताड़ियां होनी चाहिए ने। सो सचिन भाजी, लाडी भाजी ने दस दिता कि ये लैके आए ने शगन वाले लफाफे, तुसीं भी कुछ लैके आए हो? मैं बच्चों लिए बहुत सारा प्यार लैके आया, एक चीज़ होर लैके आया जो मैनू लगता है कि इन्हों सारी जिंदगी इस शो की याद दवाएगी, साड़ी याद दवाएगी जी, वो है गोल्डन माइक। क्या बात है, वाह, जो बच्चा एपिसोड च सब तो वधिया परफॉर्म करेगा उन्हें एक गोल्डन माइक मिलेगा। हुणे तुसी देख लो किनू चाहिए, तो उहदे हिसाब नाल अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस तुसी देंगे। हाथ खड़े करो, किनू चाहिए? दसो, चाहिए? यस राइट, ऑल द बेस्ट। ते नूरी मैम, तुसी की बच्चा लिए खास लेके आए हो? मैं गोल्ड मेडल लेके आई हां, जिन्हां दी गोल्ड वॉइस होएगी ना, बहुत सुरीला सुरीला मीठा मीठा गाउणगे, फिर उन्होंने गलों के ये पाया जाएगा, देखते हैं हमने एक कि किस्मत विच है। तो ये निकू सर तुम भी खोलो अपनी पिटारी, तो दसो बच्चों की खास है तुहाडे कोल? जेडे बच्चे सुरीले सुरीले गाने सुनाएंगे उन्होंने सुनने वास्ते बहुत प्यारे प्यारे हैडफोन्स। क्या बात, ये मेरे को गिफ्ट है, सुनाओ गाने तो लै जाओ अपने। ते असी लैके आए थोड़े वास्ते जादू की जफ्फी, जिहड़ा बच्चा सब तो वधिया परफॉर्म करेगा असीं उहनूं जादू की जफ्फी देवांगे, ठीक है? वेरी नाइस। हुण असीं दसदे हां की है जी साढ़े शो का फॉर्मेट जी। मैगा ऑडिशंस दे विच साढ़े जजिज़ ने 24 बच्चे सिलेक्ट किए, जिन्हां नूं असीं तीन तीन के ग्रुप के वंड दिता है, तो उन्होंने एक ग्रुप 8 बच्चों का अज इत्थे परफॉर्म करेगा। तो जिहड़ा पहला राउंड होएगा जी, वह है जी रॉक द स्टेज राउंड, जिस दे विच साढ़े ये 8 बच्चे जोड़ी दे विच परफॉर्म करेंगे। तो सब तो खास गल ए है कि आज दे इस शो दे विच कोई एलिमिनेशन नहीं होएगा, ताड़िया वाह। और ये पहली बारी हो रही है कि सारे कंटेस्टेंट्स जोड़ी दे विच परफॉर्म करेंगे, ते इस एपिसोड दी एक खासियत है, ते समथिंग न्यू इज देयर, यही ट्विस्ट है जी आज दे इस एपिसोड दे विच, इहो जी बहुत सारे ट्विस्ट तुहानू अगे चल के देखने नूं मिलदे रहेंगे। सो दोस्तों, साढ़े बच्चों ने बहुत मेहनत की है जी इस मंच के उत्ते अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने वास्ते, तो क्यों ना आपां देखिए कि इन्हां दी मेहनत किहो जी रही, आओ देखते हैं। सत श्री अकाल जी, मैं ते मेरी सारी म्यूजिशियन टीम असी बच्चों के उत्ते बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे बड़े कमाल दे ने, वक्रे वक्रे अंदाज दे ने, जिन्हां दा कि वोकल वक्रा है, किसी का गाण दा तरीका वक्रा है।
मैनू पूरी उम्मीद है कि इस बार वॉइस ऑफ पंजाब सीजन 9 छोटा चैंप जिदे विच कि तुहानू वखरा कुछ मिलेगा ते उम्मीद है कि तुसी सारे इस नू बहुत ही प्यार करोगे। सो मेहनत ते पूरी कीती है बच्चों ने, पर हुण देखना ए है वी ए बच्चे स्टेज ते किवें दा परफॉर्म करते हैं। सो बुलांदे आ जी असि अपनी पहली जोड़ी नू। जी हां दोस्तों, सो जोरदार ताड़ियां नाल असि इत्थे सद्दा देने आ जी पहली जोड़ी नू, जिस दे विच आ रहे ने जी शहर अमृतसर तो संगीत सोनी ते लुधियाने तो राशि सलीम। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है संगीत सोनी। मेरा नाम है राशि सलीम। असि वॉइस ऑफ पंजाब छोटा चैंप सीजन 9 दे स्टूडियो राउंड विच परफॉर्म करन जा रहे हां। सानू बहुत खुशी है कि असि एडे वड्डे प्लेटफॉर्म ते परफॉर्म करन जा रहे हां। संगीत, तुसी नर्वस तां नहीं? संगीत किदा नर्वस हो सकता है? देखिया, सानू पूरी उम्मीद है कि जजेस नू साडा सॉन्ग बहुत पसंद आए। क्या बात। सो जजेस, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत, मेरा तो फेवरेट सॉन्ग है। सो हम थोड़े तो पूछते हैं कि तुहानू कैसी जी लगी है परफॉर्मेंस, शुरुआत कर दे सचिन भाजी थोड़े तो। ये मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट गाना, तो ये दोनों इदा लग रहे जिद्दे गुड्डा गुड़िया नहीं खड़े होंगे एकदम उदा की फीलिंग आ रही है और बहुत क्यूटली इन्होंने गाया। सो ऑल द बेस्ट, अगे होर मेहनत करियो, ठीक है? ठीक, थैंक यू सचिन भाजी। नूरी मैम, बहुत सोहने, बाकी सच्ची गुड्डा गुड्डी लग रहे ने, दोनों की मैचिंग आ, बड़े प्यार जे नाल गा रहे सीगे, बहुत वधिया लग रहा सीगा। सो मैनू लगता तुसी अगे अगे होर भी वधिया तैयारी करके आओगे,
ਸਾਨੂੰ ਐਨ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵਾਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੂਰੀ ਮੈਮ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਕੂ ਸਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਐਂਡ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਮੰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਮਕਾਵੋ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਅੱਗੇ ਲਈ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫਟੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਅ ਜੀ ਕਪਤਾਨ ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗੋਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੱਜਸ ਅ ਗੁੱਡ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਅਪਲੌਜ਼ ਫਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਐਂਡ ਸੰਗੀਤ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜੱਜਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਣੀ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਹਯਾਨ ਹੁਸੈਨ ਫਰੋਮ ਜਲੰਧਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਯਾਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਈਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਚੈਂਪ ਸੀਜ਼ਨ 9 ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੱਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬਣ ਗਏ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਵਿਛੜ ਗਏ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾ
क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, व्हाट अ लवली परफॉर्मेंस, सुपर, वेरी नाइस। लो जी शगना वाला लिफाफा आ रहा है, चल के आ रहा है। बहुत ही कंट्रोल और बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा, परफेक्ट। और गाना एक दूसरे नु कॉम्प्लीमेंट करके गा रहे सी। थैंक यू सर। और सब तो बढ़िया गल है कि यारियां वाकई ताड़ियां पक्कियां रहन, इदां ही रहन। क्या बात, कांग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सचिन भाजी की कहना थोड़ा इस दे बारे? बहुत अच्छा सी, बहुत मजेदार सी, लेकिन मेहनत अजे बहुत करनी है क्योंकि बहुत ज्यादा सुर तो बाहर सीगा विच ते अपा हुण तारीफ हो गई तो मतलब यही नहीं कि हवा च उड़न लग जी। तारीफ कित्थे रखनी हुंदी है? इत्थे, इत्थे नहीं लेके जानी तारीफ कदे। ठीक है, ये गल हमेशा याद रखना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हुण पुछदे आ नूरी मैम नूं, मैम तुहानूं इहनां दी परफॉर्मेंस किहो जी लगी? दोनों बड़े सुरीले बच्चे आ, इदां लगदा सी जिवें तुहाडी पता नहीं किन्ने क जन्मां तों यारी आ, और परमात्मा तुहाडे विच इदे ही यारी रखे। जदो किसी आर्टिस्ट दे गाने नू कोई बहुत अच्छा गाउंदा, बहुत प्यारा गाउंदा, उस आर्टिस्ट नू भी फक्र हुंदा। प्रभ नू भी अज बहुत मजा आउणा है गाना सुन के। वॉइस ऑफ पंजाब सीजन 9 दी आज शुरुआत होगी, बहुत सुरीली शुरुआत। वाह क्या बात है, वाह बहुत ही जबरदस्त शुरुआत, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच साहिल सर। मैं गल गाना जो ना, मैं नूरी मैम वास्ते एक गिफ्ट ले गया। अच्छा, वाह क्या बात है, वेरी गुड। नूरी मैम हयान ते रोहित तुहाडे लई गिफ्ट लेके आए, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। आओ जी, आओ मैम। सो मैम आ चुके ने, नूरी जी आ चुके ने। हुन अपा रिक्वेस्ट करते हैं कि जड़ा गिफ्ट पिछे है उसनु अगे लेके आया जावे। सो गिफ्ट, ओहो वाह, ताड़ियां। बच्चे ने इन्हों हग कर रहे ने भी आज बच्चों संगीत वाली दुनिया ते आशीर्वाद दे रहे ने, तुहानू हग दे रहे ने, तुहानू अपने कला विच लैना चाहते ने। असी कल्ले आ बैठ के रोना जिंदे तेनू याद करके, असी सारे इमोशनल हो गए इस दिन देख के। थैंक यू सो मच बेटे, इन्नी सोहनी गिफ्ट मेरे वास्ते होर हो ही नहीं सकती, बहुत प्यारी गिफ्ट दिती तुसी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच, वाकई बहुत ही प्यारे मोमेंट्स ने। तो सारे इमोशनल हो गए ने, बाकी मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए ने, और असी भी इमोशनल हो गया, बट यही वो यादा ने जो सानू एक वक्री दुनिया दे विच लै जांदियां ने। सो इन्हां ही मोमेंट्स नू असी अपनी यादा दे विच संभाल के रखांगे। सो चल रहे जी वॉइस ऑफ पंजाब छोटा चैंप सीजन 9 दा पहला एपिसोड। पिछे साल तुसी एक गल नोट कीती, अजकल दे बच्चे बहुत स्मार्ट है, इन्हां दे एक हाथ दे विच हुंदा मोबाइल फोन ते दूसरे हाथ विच हुंदा लैपटॉप। ये तो बिल्कुल सही गल कीती जजिस। देखो अपना एक जमाना हुंदा जदों आपां छोटे हुंदे सी, एक हाथ दे विच साडे हुंदा सी टायर, दूजे हाथ दे विच हुंदा सी डंडा। जी बिल्कुल, पर मैनूं लगदा है कि टाइम दे नाल चेंज होना भी बहुत जरूरी है। चेंज होना बहुत जरूरी है, पर उस दे नाल ही नाल सानूं अपनी मोरल वैल्यूज नूं कैरी करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, ते इस गल नूं साडे कंटेस्टेंट्स बहुत चंगी तरह समझदे ने, जिथे गूगल की जानकारी दे नाल अपने सपने बुनते ने, उत्थे ही ये अपनी नानी ते दादी दियां बातां भी सुनते ने। कहन दा मतलब ये है कि लाइफ नूं बैलेंस करके चलते ने साडे कंटेस्टेंट्स। तो दोस्तों एक कंटेस्टेंट्स उस दे नाल ही नाल बिल्कुल तैयार ने जी इस मंच के उत्ते परफॉर्म करने वास्ते। हुण तक तुसीं दो परफॉर्मेंसेस देख चुके हो, यानी कि दो जोड़ियां परफॉर्म कर चुकियां ने, ते हुण आ रही है जी अगली जोड़ी जिन्हां दे दिलां अंदर है कुछ कर दिखाउण दा शोर। आ रही है खरड़ तो तमन्ना गिल ते राजपुरा तो रुपनीत कौर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਨੀਤ ਕੌਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਮੰਨਾ ਗਿੱਲ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੋਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਚਾਮ ਸੀਜ਼ਨ 9 ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਰਵਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਜਸ ਕੋਲੋਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। कमाल करती है इस जोड़ी दे। देखो जजेस कितने खुश ने, मैं दावे कह सकता है कि जो व्यूअर्स ने वो भी बहुत खुश ने इस परफॉर्मेंस को देखने ते सुनने तो बाद। क्यों नूरी जी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तमन्ना ते रुपनीत ने कमाल करती। थैंक यू मैम। रुपनीत इन्ना सोहना डांस कर दिया, क्या सोने तेरे एक्सप्रेशन सीखे। थैंक यू। जिन्हों कहते ना पूरी फुल परफॉर्मेंस दी है ना दोनों कुड़िया ने, और पता ही नहीं से लग रहा भी तमन्ना गा रही कि रुपनीत गा रही है। सेम आवाज़ा तुहाडियां, सेम तुहाडा बहुत ही वधिया कमाल सीगा, बहुत वधिया, बहुत खुश कीता। थैंक यू मैम, लव यू बेटे, गॉड ब्लेस यू। पुछदे हां जी सचिन सर नु, तुहानू इन्हां दी परफॉर्मेंस किहो जी लगी? मैं तो बस इन्हां नु दुआ दूंगा कि तुसी वड्डे हो के बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनो और एक कामयाब कलाकार बनो, क्योंकि तुसी दोनों ही बहुत अच्छे हो। क्या बात है, वेरी गुड। ते नाल एक छोटा जा आ गोल्डन माइक। क्या बात है, पहला यह गोल्डन माइक जो अवार्ड देता जा रहा है सचिन पाजी वालों, ए रुपनीत दे लिया है। दिस इज फॉर योर सिंगिंग एंड योर परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। ठीक है, बट ए नहीं कि आज माइक मिल गया तो कल नू फिर माइक तो दूर हो जाओ। ए मजा उदो आएगा जब तुसी हर परफॉर्मेंस ते गोल्डन माइक लाओ। हां जी सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू आल्सो। थैंक यू सो मच सर। कप्तान जी बहुत ही खूबसूरत गाया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इरे नाले आवा पुछते हैं निकू सर नू, तुसी की कहना चाहोगे इस जोड़ी नू? इन दोनों कुड़ियों ने रौनक ला दी। वाह, क्या बात है ना, तो साडे घर च सच्ची मुची अज रौनक लगी है पीटीसी दे मंच ते। मेरा दिल करता दोनों दमा, लेकिन उन्होंने गोल्डन माइक मिल गया ते तमन्ना ले मेरे कोले हेडफोन्स। वाह, जोरदार ताड़ियां, वाह, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत अच्छा गाया तुसी दोनों ने, बहुत प्यारा गाया, सच्ची मुची परफॉर्मेंस चाहिए जो आवे तो बंदा इदा ही होनी चाहिए है। वेरी गुड एक्सप्रेशन तुहाडा, गाउन दा स्टाइल दोनों दा, ते फील कुट कुट के भरिया सी गाने च। थैंक यू। सब दा दिल करदा सी उत्थे असी नचिए फुल, सो पूरा माहौल बन गया, ज्योंदियां वजदियां। थैंक यू सो मच भाजी, थैंक यू, थैंक यू। मैं गल कहनी चाहवांगी, कहिंदे ने कुड़ियां तो बिना वेड़ा भी साडा सुन्ना है, तो कुड़ियों तो बिना साड़िया खुशियां सारिया अधूरिया ने। कोई भी घर च फंक्शन होंदा है जो कुड़ियां साड़िया शगनों के गीत गाउंदिया ने, नचदिया ने, रौनक तो वही लग जाए, तो मैं भी आ रही हूँ हुण। जो मैं दे रही हूँ दोनों कट्टियां नू देंगी।
लो जी गोल्ड मेडल मिल रहा है जी तमन्ना ते रुपनीत नु। ते इस जोड़ी ने जजेस दा दिल ते कंप्लीटली जीत लिया मेनू लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत दोनों ने इतना सोहना गाया और बस मेरे को शब्द नहीं है कि हम ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਲਫਾਫੇ ਕੋਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲਫਾਫੇ ਨਿੱਕੂ ਭਾਜ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਪਾਪਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵਾਂ। ਪਾਓ ਫਿਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ। ਬਟ ਭਾਜੀ ਫੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਲਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੋਲਡਨ ਮਾਈਕ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਹੈੱਡਫੋਨਸ, ਸ਼ਗਨ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾੜੀਆਂ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੱਜੀਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੱਜੀਜ਼। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋੜੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਆਬਾਦ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਸੌਰਵ ਜਾਨੂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵਿਰਾਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੌਰਵ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਰਾਨ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਚੈਂਪ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਚਿਨ ਭਾਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਆ ਟਿੱਡੂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰਾਨ। ਜਦੋਂ ਆਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਗਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵੀਰਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚੱਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਬਾਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਬਾਦ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਛੋਟਾ ਹਰੀ ਜੈਕਟ ਵਾਲਾ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਉਲਟਾ ਘੁੰਮ ਜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟਾਂ ਚਲੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸੌਰਵ ਜਾਨੂ ਯੈਸ ਯੈਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਆਪਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀਰਾਨ ਆਬਾਦ ਰਾਈਟ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੂਰੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਨੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜਾਨੂ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੂ ਬੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਨ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਿੱਕੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੂ ਭਾਜੀ ਸੌਰਵ ਜਾਨੂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਬੱਚਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਬਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹਿਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕਾ ਕਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੁਰਕੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਇਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਿੱਕੂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਗਵਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਡੈਮੋ ਦੇ ਹੀ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਗਾਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹਾਏ ਵੇ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕੀ ਚੱਲੀ ਦਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਸਜਣਾ ਵੇ ਜਿੰਦ ਚੱਲੀ ਦਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਸਜਣਾ ਛੇਤੀਆ ਸਜਣਾ ਗਲੀਲਾ ਸਜਣਾ ਵੇ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕੀ ਚੱਲੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਰੇ ਹਮ ਕੋ ਛੋੜ ਦੋ ਮਿਲ ਗਏ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗਾਇਆ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਲਾਡੀ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਬੱਚੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਇਆ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਬੋਥ ਗੋਡ ਬlesਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਜਸ ਅ ਬਿਗ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਅਪਲੌਸ ਫॉर ਥਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੇਅਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੋ ਜੱਜਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਰੀਅਲ ਜੂਸਿਸ ਐਂਡ ਬੇਵਰੇਜਸ ਪਰਫਾਰਮਰ ਆਫ ਦ ਡੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਆਫ ਦ ਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਹਿਤ ਔਰ ਹਯਾਨ ਹੁਸੈਨ ਵਾਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰੀਅਲ ਜੂਸਿਸ ਐਂਡ ਬੇਵਰੇਜਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਓ ਜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਕਮਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਲੀ ਚਾਰ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਦਰੋ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ